नहीं सब अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर कौन सा? हाँ सही से बताया करो ना भाई, खामोश हो जाएं प्लीज भाई साहब। इधर क्लास सामने तमाशा लगा हुआ यार, अजीब बात है आपकी यार। मैंने उधर ही मुंह करके बिठा देना आपको। लेक्चर 59 पोस्ट का स्टार्ट करते हैं जी। सीव्यू क्लब से पहले गोल्फ क्लब, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया घर जाके दोबारा? हो गया था ओके चलें। तो जो कंफर्टेबल हो रहे थे आप एनपीओ में, सीव्यू के सवाल ने थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट कर दिया, कोई मसला नहीं है, इसको आज डिस्कस करेंगे। तो फिर इस तरह की एडजस्टमेंट्स और जिस तरह के पहले सवाल किए उस तरह की एडजस्टमेंट्स, ये मैक्सिमम मिलकर इसी तरह से सवाल आता है तो वो फिर हमारी जरा तैयारी बेहतर हो जाएगी। सीव्यू कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट कितने बच्चों को लगता है कि ये डिस्कस किए बगैर भी काम चल जाएगा? अच्छा वैसे पिछली क्लास के अंदर क्योंकि मैंने ये सॉल्व करा दिया, यही किया है सवाल, इसलिए आपकी क्लास में यही होना है, मैं तो वैसे पूछ रहा था। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है जी, बोलें जी रिक्वायरमेंट, जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लें आप लोग, तब तक मैं जरा साफ सुथरा कर लूं। जी बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है फरमा दें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्टेप वन, साढ़े तीन बजे आर टू के कौन कौन से बच्चे हैं जी? आर टू के साढ़े तीन बोला है इसने मुझे, ठीक है साढ़े तीन बजे आप चले जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा सवा तीन से ऑनवर्ड ही रिवीजन वाली बात हो और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। एक घंटे पांच सात मिनट में इसको मैं क्लोज कर दूंगा, इसकी डिस्कशन को पूरा सवाल नहीं करना मैंने, जितना पिछली दो क्लासेस में हुआ है, और फिर जो अगला पोर्शन है वो तो वैसे ही आपको पता है अपलोड होना है तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो सवा से साढ़े हो भी जाए तो कोई नहीं। कितने बच्चे हैं वैसे? अच्छा ठीक है, चले फिर जल्दी से फॉर्मेट बनाए जी। सी व्यू ये देखें, जल्दी वाला फॉर्मेट ऐसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फरमा दें। अच्छा भाई जो मुझे बोलता हूं अब नजर आएगा ना वो क्लास से बाहर जाएगा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं अब, ये इस तरफ से जितने भी बोलते हैं ओके। 31 नंबर, अच्छा ये बोलते रहना, मैंने जो मैं पूछ रहा हूं वो लिखवाते रहना, ये ना हो वो भी ना बोले जी। इनकम्स और एक्सपेंसेस, थाउजेंड्स में क्वेश्चन करेंगे ये इंशाल्लाह। बैलेंस शीट की हेडिंग कोई नहीं दे रहा, मतलब नाम सी व्यू नहीं लिख रहा, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहां पे बस लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है ठीक है जी। एज ऑन 31 दिसंबर 15, क्यों यार जाते हो क्लास से बाहर? चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ यार आप लोग भी। रुपीज इन थाउजेंड्स जी। सबसे पहले फंड्स एंड लायबिलिटीज की हेडिंग आप लोग दे लीजिएगा, मैं नहीं दे रहा ठीक है। फिर फंड्स ओपनिंग जनरल फंड, फिर सरप्लस और आंसर आ गया क्लोजिंग जनरल फंड, फिर लाया बिल्ली टीज, इसमें नॉन करंट भी हुआ करेगा आप बड़े हो गए आप और करंट भी हुआ करेगा, तो नॉन करंट लिख के एक दो लाइनें दो लाइनें छोड़ दें और करंट लिख लें, चार पांच लाइनें इसके लिए छोड़ दें। फिर एसेट्स, एसेट्स में
नॉन करंट एसेट्स चार पांच लाइनें इसके लिए छोड़ दीजिएगा और करंट एसेट्स बाकी का सफा खाली। नहीं रहना तुसी है, बाद आ जाओ। हाजा बादा। उसके बाद सवाल, चूंकि आपने घर पे ट्राई किया है चुनांचे आपको ये पता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी है, सेल ऑफ बेवरेजेस हुई है, लेकिन उसने रिक्वायर नहीं किया तो कोई बात नहीं, वर्किंग ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ बेवरेजेस, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर यहां से वर्किंग टू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, फॉर्मेट बन गया, आ जाए फिर सवाल की तरफ। अनलकीली सवाल में जो तरतीब थी वो जिसको हम फॉलो करते थे वो नहीं गिवन थी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होते थे, हम उनसे लेजर्स को ओपन करते थे और सवाल हमारा जल्दी जल्दी हो जाता था। पूरे सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन थे, बल्कि हमें एडजस्टमेंट्स में से खुद ओपनिंग क्लोजिंग निकालने थे। अच्छा, इनफैक्ट ओपनिंग तो होना ही कोनी था, क्योंकि पहली लाइन क्या है, सीवीयू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 फरवरी 15 और 31 दिसंबर 15 पे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यह तो पहला ही साल है, तो ओपनिंग बैलेंसेस तो सारे के सारे जीरो थे। ठीक है, चले ओपनिंग से तो जान छूट गई। अच्छा, अब दो तरह से सवाल चल सकता था, या तो आप रिसीट पेमेंट वाली फिगर्स के हिसाब से चलें, वहां से फिगर को उठाएं और जो एडजस्टमेंट उसको हिट कर रही है उसको साथ पढ़ते जाएं, या फिर एडजस्टमेंट्स को उठाएं और जो उसी फिगर रिसीट पेमेंट में आ रही है उसको उठा लें। तो दोनों तरह से ही सही था, आप पर्चे में जैसे मर्जी चलें, मैंने तो अपनी तरतीब से चलना है, मैं तो एडजस्टमेंट भी अपनी तरतीब से ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो लेकिन पढ़ लें एक बार सवाल को। रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर स्पॉन्सर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ज्वाइनिंग फी आ रही, ज्वाइनिंग फी क्या होती है, बल्कि यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, ये पहली लाइन से, स्पॉन्सर्स ऑफ द क्लब कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 मिलियन, ये क्या है जी, इसकी क्या एंट्री होगी, ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग जीरो है। साल के पहले ही दिन ये पैसे हम 3-4 दोस्तों ने जो क्लब ओपन किया था तो अपने पैसे इकट्ठे करके फंड में जो डाले हैं, ये वो पैसे हैं जिसकी डबल एंट्री होगी, ओपनिंग नहीं है। कैश डेबिट ठीक है, यहां पर रिसीट पेमेंट लिख दो, रिसीट पेमेंट चल रहा है, रिसीट पेमेंट डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट 50 से, ठीक हो गया। अच्छा, तो यही 50 जो मिलियन है ना, यहां पे 1000 में क्वेश्चन हमने करना है, यही 50 आपको ये नजर भी आ रहा है, रिसीट पेमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है और जनरल फंड क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, पिछली दोनों क्लासेस के अंदर मैंने इसको ओपनिंग फंड में ही लिखा और बच्चों को जबानी बता दिया था कि चाहो तो तकलीफ हो तो ये कर लो। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी इस 50,000 की एंट्री कराओ रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट और ओपनिंग जनरल फंड क्रेडिट, और फिर मैं ये लिखने के बाद मैंने कहा जिनको तकलीफ हो रही है कि यहां पर ओपनिंग क्यों लिखा हुआ है वो यहां पर जीरो कर दें और एक लाइन यहां पर ऐड करें, उसमें लिखें फ्रेश कंट्रीब्यूशन और इसको यहां पर लिख दें, दोनों ही सही हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि आपने फॉर्मेट बना लिया उसमें लाइन नहीं छोड़ी, तो कोई बात नहीं, ओपनिंग के सामने लिख लें वो भी चलेगा। ठीक है, तो आप ओपनिंग जीरो करके इसको फ्रेश कंट्रीब्यूशन लिखकर 50,000 इधर भी लिख सकते हैं जैसे आपका दिल करे। पिछली दोनों क्लासेस में मैंने ये ओपनिंग जीरो नहीं लिखा था बल्कि ओपनिंग पे ही 50,000 लिख लिया था, दोनों ही सही हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट डेबिट, जनरल फंड क्रेडिट, क्लियर, ओके। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया था, पहली क्लास में मैंने ये काम किया था कि सवाल को पढ़ के एडजस्टमेंट्स उनके डिस्कस करने से पहले ये काम कर लिया था। सवाल के अंदर जो एडजस्टमेंट्स रिसीट पेमेंट को यहां हिट कर रही थी मैंने वो एडजस्टमेंट साथ ही इनके लिख ली थी। ठीक है, तो पॉइंट वन,
ज्वाइनिंग फी और सब्सक्रिप्शन के साथ लिंक कर रहा है। पॉइंट टू में सेल ऑफ बेवरेजेस की बात हो रही है। पॉइंट थ्री के अंदर जो है वो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ बेवरेजेस की बात है। इसी तरह से तरतीब वार मैंने एडजस्टमेंट्स को लिख दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। पहले एडजस्टमेंट में ज्वाइनिंग फी और सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, दूसरी में बेवरेज की सेल की, तीसरी में परचेज ऑफ बेवरेजेस की, चौथी में सैलरीज, पांचवी में रेंट, छठी में एडवांस, सातवीं में यूटिलिटीज, आठवीं में इंश्योरेंस, नौवीं में रिपेयर मेंटेनेंस और दसवीं में फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब दोनों तरीके मैंने कहा सही हैं। चाहो तो रिसीट पेमेंट वाली फिगर पकड़ो और फिर उसकी एडजस्टमेंट पढ़ लो, चाहो तो एडजस्टमेंट को पकड़ो और फिर उससे रिलेटेड फिगर्स को रिसीट पेमेंट से उठा लो, लेकिन ये इंश्योर करना कि कोई एडजस्टमेंट भी ना रहे और रिसीट पेमेंट में भी कोई डेबिट या क्रेडिट रह ना जाए पोस्ट होने से, ठीक है। मिस नहीं करना बस, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है जी, द ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000। यार ये दरवाजा खोल दें थोड़ी देर, कोई बच्चा दरवाजा खोल दें, पीए को बुला लें, दरवाजा खोल दें। ऑक्सीजन आज आप लोगों ने ना सारी सोक कर ली है। अच्छा जी, कोई नहीं, थोड़ा आगे आने दो, जहां पे रुक जाए वहां पे रुक जाए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेंबरशिप की ज्वाइनिंग फीस, ये क्या है, क्या है ये? इनकम है। आपको बताया था सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, डोनेशंस हो गए, सब्सक्रिप्शंस हो गई, ज्वाइनिंग फी यानी मेंबरशिप फी जिसको कहते हैं, ये मेंबरशिप फी हो गई। इसी तरह से कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो जब भी कोई बंदा आता है उसे कहा जाता है कि 50,000 रुपए जमा कराओ, तुम्हें मेंबरशिप तब मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब जितने मेंबर आए होंगे उतने से मल्टीप्लाई करके हम ये इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। आगे वो कहता है कि मेंबरशिप फी तो 50,000 है, उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000 है। मतलब एक बार 50,000 देकर उन्हें मेंबरशिप दे देते हैं और उसके बाद 24,000 हर साल सब्सक्रिप्शन ली जाती है, ठीक है। असल में ना इस सवाल की एडजस्टमेंट यही वन ही सबसे ज्यादा टेक्निकल थी, इसलिए मैं सबसे पहले यही करवा रहा हूँ। 15-20 मिनट शायद इसी पे लग जाए, सुकून से करेंगे इसको, उसके बाद तो फिर एक एडजस्टमेंट कराऊंगा, तीन उस जैसी हैं, फिर एक उससे बाद वाली एडजस्टमेंट इस काबिल भी नहीं होंगी कि आपको करवाई जाए, पढ़ के देखेंगे, ठीक है। तो मसला सिर्फ इसी के अंदर, पूरे ध्यान से इसको देखो, बहुत टेक्निकल काम की एडजस्टमेंट है। कई कई अगले सवालों में भी जैसी एडजस्टमेंट आपको मतलब मिलती जुलती आपको जो है वो मिल रही होंगी आगे। अच्छा जी, अब वो कहता है जी मेंबरशिप फी 50,000 है और सब्सक्रिप्शन एनुअल कितनी है 24,000। आगे कह रहा है ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जो भी आता है हम उसे कहते हैं एक 24,000 नहीं, 24,000 इंटू 3 करो 72,000। तो 50,000 तो दो ना मेंबरशिप देंगे तुम्हें, फिर मेंबरशिप मिल गई तो आप 72,000 अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन आज ही जमा करवाओ, अगले 3 साल सर्विसेज देते रहेंगे तुम्हें, कोई पैसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब आगे कहता है द मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड एज फॉलोस। मार्च के महीने में 110 लोग हमारे मेंबर, 112 लोग मेंबर बने, जून में 98, सितंबर में 101 और दिसंबर में 105। तो पूरे में टोटल कितने मेंबर्स, 416 मेंबर्स हमने रजिस्टर, हमारे मेंबर्स 416 बन गए। अब ये हर मेंबर से हमने 50 रुपए ज्वाइनिंग फीस लेनी है और मेंबर से हमने 72,000 3-3 महीने की सब्सक्रिप्शन भी एडवांस में ले लेनी है जिस दिन वो आए। तो इसका मतलब 416 मेंबर्स 50-50 रुपए देंगे, 1000 में अगर बात करें तो कितना बनता है जी, 20,800। जरा चेक करो ऊपर, 20,800 ही ज्वाइनिंग फीस में लिखा हुआ है, ठीक है। इस 20,000 की 20,800 की एंट्री क्या करोगे, रिसीट पेमेंट डेबिट और इनकम क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हर मेंबर 72-72 100 देगा, यानी
416 मेंबर्स आएंगे, हर एक को कहेंगे 24 तो एक साल का है, आप 3 साल का इकट्ठा करके हमें पे करें, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 29,952। इसकी एंट्री होगी रिसीट पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, तो ये भी आपको नजर आ रहा है, यही अमाउंट है, ये पैसे भी रिसीव किए हैं। जाहिर है वो कह रहे हैं भाई सर क्यों शक्ल बना रहे हो, वो कह रहे हैं जो मेंबर भी आता है 3 महीने की सब्सक्रिप्शन एडवांस में लेते हैं, इस साल में मार्च जून सितंबर और दिसंबर तक टोटल 416 मेंबर्स आ गए, तुम उसको मुड़ के देख लो, मुंह देखो उधर ही मुंह करके बैठ जाओ तुम जी। 416 मेंबर्स इस साल हमारे बन गए, हर एक से 50,000 ले लिया और हर एक से 72,000 भी ले लिया, तो ये 72,000 ही तो है, ये 24 × 3 = 72, तो हर एक मेंबर से 3 साल की एडवांस सब्सक्रिप्शन ली है, तो 29,952, ये 29,952 रिसीव किया है, तो एंट्री बनेगी रिसीट पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, वहां से इनकम फिर निकाल लेंगे, ठीक है ओके ले जी। तो ये दो एडजस्टमेंट्स को पुट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ये रिसीट पेमेंट का डेबिट और ये रिसीट पेमेंट का डेबिट, ये रेलेवेंट जगह पे क्रेडिट करके आते हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग फी तो डायरेक्ट इनकम में जाएगी, ठीक है, तो रिसीट पेमेंट एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट ज्वाइनिंग फी इनकम जो है वो क्रेडिट 20,800 से, ठीक है जी। और नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, इसके लिए लेजर बना लेते हैं, नंबर टू सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर, इनकम का लेजर बना रहा हूं, इनकम का वही जो एक्रूवल में सिखाया था, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट का अकाउंट 29,952 से डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट 29,952, ठीक है जी। ज्वाइनिंग फी क्या होता है? ज्वाइनिंग फी होता है, बंदा बता ही देता है, ओके कोई टाइम नहीं, थोड़ा खुला टाइम है आपकी क्लास जी। ओपनिंग में कितना रिसीवेबल था? अच्छा एडवांस तो होगा भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन का वजूद ही नहीं था 1 जनवरी पे, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है ओके। नाउ दो चीजें इसमें अब मिसिंग है, एक इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर और दूसरा क्लोजिंग में रिसीवेबल। रिसीवेबल तो हो ही नहीं सकता भाई, हर एक से तो अगले 3 साल के पैसे एडवांस में ले रहे हैं, तो फिर रिसीवेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ होगा तो फिर एडवांस होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मार्क्स हैं आज हमारे पास, प्रॉब्लम ये, ठीक है। अब आज तक जो 4 स्टेप्स वाली उसके अंदर हम क्या करते आए हैं, हम कहते थे जी ओपनिंग लिखे, कैश लिखें, क्लोजिंग कैलकुलेट करें, बैलेंसिंग इनकम या एक्सपेंस निकल आएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद हो तो एक्रूवल्स के टॉपिक के अंदर मैंने एक बार इंटरेस्ट रूल, तो एक्रूवल्स का यही 4 स्टेप्स ही रूल बताए थे ना, यही 4 स्टेप्स बताए थे, लेकिन एक दफा इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिस्कशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि जी अगर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन हो तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। आप टॉपिक ओपन कर लें, ये लिखा होगा। ऐसे ही रेंट एक्सपेंस के बारे में आपको बताया था कि अगर रेंटल की अमाउंट और जिस दिन प्रॉपर्टी एक्वायर की वो डेट सवाल में हमें बता दे तो हम रेंट एक्सपेंस की फिगर भी पहले निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। वही बात मैं आज दोबारा करने लगा हूं कि अगर सब्सक्रिप्शन इनकम केस में अब ये बात कर रहा हूं, क्या अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बता दे, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बता दे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दे तो हम इनकम की फिगर पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शायद क्लोजिंग एडवांस निकालना मुश्किल काम था लेकिन इनकम निकालना इतना मुश्किल काम नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको सवाल में नजर आ रहा है कि आपको ज्वाइनिंग डेट भी बताई गई है, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स भी बताए गए हैं और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी बताई गई है, ठीक है। तो लिखने वालों ने लिख लिया होगा कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग
और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन हो तो हम सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। अपने अल्फाज में लिख लें कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स, ज्वाइनिंग डेट और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट सवाल में गिवन हो, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, नंबर ऑफ मेंबर्स और ज्वाइनिंग डेट अगर सवाल में गिवन हो तो हम इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। जी तो अब वर्किंग 2.1 करते हैं आज, सब्सक्रिप्शन इनकम निकालते हैं। बच्चों जो ये 112 मेंबर्स मार्च में तशरीफ लाए और हमारे मेंबर बने, इनसे हमने टोटल तो 72,000 लिया है, एक साल का कितना बनता था 24। अच्छा इस साल के अंदर क्या 24 के बराबर सर्विसेज हमने इनको दे ली हैं? क्यों? वो जनवरी फरवरी में तो थे ही नहीं। इसका मतलब इस साल में इन मेंबर्स को हमने 10 महीने की सर्विसेज दे ली हैं। तो 24,000 तो पूरे साल का है, अगर पूरे साल सर्विसेज देते तो हम 24,000 को इनकम में डाल देते, लेकिन मार्च में आने वाले मेंबर्स को हमने 10 महीने सर्विसेज दी हैं, तो इनके 24,000 को, हर एक के 24,000 को 10/12 करेंगे तो हमारी इनकम आ सकती है। यानी हम इनके पैसों में से, इनके पैसों में से 24,000 जो है उसमें से 10 महीनों को, 24,000 12 महीनों का है, साल का है, ठीक है, इसमें से हम 10/12 करके जो इनकम इनकी बनती है वो हम निकाल सकते हैं। जून वालों को कितने महीने सर्विसेज दी? 7 महीने। तो 24,000 का 7/12 इनमें से इनकम में जा सकता है। फिर सितंबर वालों कितने महीने? 4। तो 4 महीने इनकी इनकम में डाल दो, और दिसंबर वालों का 1 महीना, ठीक है, तो फिर इनकम की फिगर पहले निकल सकती थी। भाई एसी काम नहीं कर रही, क्या चक्कर है ये क्लास में? जी मार्च चार्ज लिखने की अब जरूरत नहीं है, बस आप खुद मेंबर्स लिखो। सबसे पहले कितने मेंबर्स आए मार्च में? 112। हर एक से 24 लिया, लेकिन सारा 24 आप इनकम में नहीं डाल सकते। कितने महीने सर्विसेज दिए इनको? तो 10/12 एंड पे कर लेते हैं। फिर कितने मेंबर्स आए? 98। इनसे भी साल का 24 बनता था, लेकिन सिर्फ इनको 7 महीने की सर्विसेज दी, तो 7/12, ठीक है। फिर 101 आए, इनको 4 महीने सर्विसेज दी, तो 4 महीने की इनकम बना लो, ठीक है। फिर 105 इंटू 1/12, तो ये हमारे पास आ जाएगी इनकम। अब टोटल जितना रिसीव किया वो, और इधर लिख देंगे इनकम, तो बाकी सारे का सारा फिर एडवांस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ जी, 22401372802121, बस 4630 आ गई हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम। आज तक जितने भी सवाल किए उनमें हम सब्सक्रिप्शन इनकम को बैलेंसिंग निकाला करते थे, आज पहली बार हमने सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर निकाल ली है और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालने जा रहे हैं, क्योंकि डाटा ऐसा अवेलेबल था, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी थी, नंबर ऑफ मेंबर्स भी थे। बंद ही कर दो यार ये, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी, नंबर ऑफ मेंबर्स भी थे और ज्वाइनिंग डेट भी थी, तो इनकम की फिगर पहले निकाल ली। वैसे ये बोल कौन रहा है? अच्छा तालीम हो रही है, ठीक है, मुझे सुनाई दिया। ले जी तो वर्किंग 2.1 4630, ठीक है, और अब क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंसिंग तो ब्लू से आता था ना, ब्लू फॉर बी, फॉर ब्लू, बी फॉर बैलेंसिंग, 2533। अब कंप्लीट हो गया ये लेजर, ये 4630 जो है ये सब्सक्रिप्शन इनकम है,
ये 25322 जो है ये हमारी लायबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्किंग नंबर 2.1, 2.1 ये हमने निकाली है। कितनी जी? 4630। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, इसको हम लिख देंगे 25322। ठीक है ना? ये क्या मसला है? क्या नॉन करंट भी आएगा, करंट भी आएगा? ये क्या चक्कर है? ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो सारी की सारी अगले एक साल में इनकम में ट्रांसफर नहीं होने, ना ही ये सारे की सारी ऐसी है कि जो अगले एक साल में कुछ भी नहीं लेकिन सारा का सारा एक साल के भी बाद होना है, बल्कि ये उस लोन जैसी है जो बोरिंग कॉस्ट से पहले समझाया था, जिस तरह से किस्तों वाला लोन, कि ये इस लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में इनकम में जाना है और कुछ उसके भी बाद। कहानी कुछ इस तरह से है ना, असल में कुछ मार्च में आए, कुछ जून में आए, कुछ सितंबर में आए, कुछ नवंबर में आए, लेकिन सब ने तीन तीन साल के पैसे दे दिए। अब ये जिसने मार्च 15 में पैसे दिए हैं, इसने 15, 16, 17 और 18 के भी कुछ महीनों के पैसे इकट्ठे दिए हुए हैं। जो जून में आया, इसने 15, 16, 17 और 18 के भी कुछ महीनों के पैसे दिए हुए हैं। जो सितंबर में आया, 15, 16, 17 और 18 के भी कुछ महीनों के पैसे दिए हुए हैं। अब हम इस वक्त खड़े हैं ये 31 दिसंबर 2015 पे, और इस वक्त खड़े होकर कितनी 25322 की जो टोटल लायबिलिटी है, ये सारी की सारी अगले एक साल में इनकम में नहीं चली जानी, क्योंकि हमने ये सारे पैसों के अगेंस्ट 2016 में ही सर्विस नहीं दे लेनी, बल्कि कुछ सर्विस 16 में देनी है, कुछ 17 में देनी है, कुछ 18 में देनी है। ठीक है? तो फिर इस 25322 का कुछ हिस्सा करंट लायबिलिटीज नजर आएगा और कुछ नॉन करंट। ठीक है? गॉट इट? अच्छा, अब प्रॉब्लम समझ आ जाए तो सोल्यूशन तो निकल ही आता है। अब मैंने आपको यह समझाया हुआ है कि अगर करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करनी हो तो पहले नॉन करंट को निकालेंगे, आसान होता है। यही कहा हुआ है ना आपको, यही सिखाया हुआ है, यही सिखाया हुआ है। जाओ जाओ फास्ट बॉलर, पढ़ाई हुई है ये बात। करंट आसान है, मैंने कहा था नॉन करंट में तो 2 साल 4 साल 10 साल कुछ भी अरसा हो सकता है। आसान क्या है? अगले 12 महीने देख लो, करंट निकल आए, टोटल में से करंट निकाल दो तो बाकी नॉन करंट। अब करंट निकालना भी कोई आसान काम नहीं था, बहुत आसान काम था, सिर्फ आसान काम नहीं था, बहुत आसान काम था। उसकी वजह यह है कि मार्च में कितने लोग आए थे? मार्च में 112, फिर 98, फिर 101, फिर 105। कुछ कुछ याद हो गया ना, तीसरी बार सवाल हो रहा है। अब ये 416 के 416 लोग 31 दिसंबर 15 की शाम को हमारे मेंबर्स बन चुके हैं, यानी 1 जनवरी 16 की सुबह ये सारे के सारे मेंबर्स होंगे। तो अगला पूरा साल इनको सर्विसेज दी जाएंगी, यानी कि इन 416 मेंबर्स में से हर एक का पूरा 24,000 इनकम में चला जाएगा। अब ये ना कहना कोई नए मेंबर आ गए तो क्या करेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे ना, इस लायबिलिटी में से तो कोई नहीं ना आना नया, ये तो इन्हीं की ही लायबिलिटी है ना। ठीक है? तो इन 416 मेंबर्स के जो ये पैसे रिसीव हुए पड़े हैं, इनमें से हर एक ने पूरे साल सर्विसेज लेनी है अगला साल, और एक साल की सब्सक्रिप्शन इनकम में कितनी बताई गई है? 24,000। तो इसका मतलब इस 25 के अगर दो हिस्से करने हैं, करंट और नॉन करंट, तो करंट जो है वो निकालने के लिए सिंपल 416 × 24 कर दो, कितना आता है जी? 9984। अगर ये 9984 अगले एक साल में इनकम बनना है तो फिर बाकी सारा एक साल के बाद बनेगा, और उसको कौन कैलकुलेट करे? वो तो हम निकालेंगे बैलेंसिंग। तो नॉन करंट फिर पोर्शन क्या निकाला करते हैं हम? बैलेंसिंग 1,5। ठीक है जी? लेकिन बच्चों ये वाला काम पर्चे में ही करते रहना, दो शाखें बनाई है, एक उल्लू इस पे एक उल्लू उस पे, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है? बल्कि ये वाली वर्किंग हमने बैलेंस शीट के फेस पे शो कर देनी है, और ये बैलेंसिंग भी वहीं पर ही निकाल लेना है। ऐसे नहीं, यहीं पर करेंगे। क्या? एक तो ये पता लग गया कि सिर्फ करंट में नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो है
ये करंट और नॉन करंट दोनों में नजर आनी है, तो पहले आप आए इधर और आपने कहा जी ये 416 मेंबर्स में से हर एक का 24-24 इस साल इनकम में चला जाएगा, वो बन गया 9984। ये 9984 आपका करंट पोर्शन बन गया। अब टोटल में से इस 9984 को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बन जाएगा नॉन, तो टोटल कितना है जी 25322। इसके साथ आप लिखोगे जी ये वर्किंग नंबर 2 से हमने निकाला था, इसमें से 9984 को माइनस कर दो तो 22 15338, ये आपका नॉन करंट पोर्शन बन गया जी। बेटा सारे साल की इनकम आई है लेकिन अगले साल की, इस साल तो अभी ये भी लायबिलिटी में पड़ा है, इस साल पूरा पूरा 25322 लायबिलिटी है जिसमें से हम कह रहे हैं कि ये अगले एक साल में इनकम में चला जाएगा, इसके अगेंस्ट हम इतने पैसों की हम सर्विस अगले एक साल में दे लेंगे ना, तो बाकी अगले एक साल में देंगे। देखो ना ये सारे यहां पर मेंबर्स होंगे, अगला पूरा साल इनको सर्विस देनी है, तो 416 के 416 इनटू 24,000 ये इनकम में जाएगा जाएगा, अभी नहीं गया, अभी ये 25 का 25 लायबिलिटी है, इसमें से 9984 अगले इस साल में इनकम में चला जाना है तो उसको करंट लायबिलिटी शो कर दिया, और बाकी अगले एक साल में भी नहीं जाएगा बल्कि उसके भी बाद जाना है 17 में 18 में, तो उसको नॉन करंट में फेंक दिया। ठीक है, ये नहीं सोचना नए मेंबर आएंगे तो क्या करेंगे, नए मेंबर जब आएंगे तो तब देखेंगे ना, इस क्लोजिंग लायबिलिटी में तो वो नहीं ना पड़े, वो जब होंगे तो फिर उनको भी ऐड कर लेंगे कैश में, उनकी भी वर्किंग कर लेंगे। ओके ये है जी एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2, इसको देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें नहीं तो फिर हम आगे चलें। जी जाहिर है आप 31/15 पे बैलेंस शीट बना रहे हैं तो फोरसीएबल फ्यूचर करंट एक अगले 12 महीनों को यानी एक अगले साल को कहा जाता है, तो वो 31/15 पे खड़े होकर 31/16 तक का अरसा होता है। जी भाई अभी कंफ्यूज हो बोलो जरा, कौन है कंफ्यूजिंग वाला, अभी भी कंफ्यूज हो तुम, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। कब पहुंची है, आज क्या 23 कल पहुंची है, पूछो ना यार कदों अगर कलन गए नहीं पता लगेगा, ये नहीं मैं कर पा रहा था इतने दिन से, तुम लोग पता नहीं ऐसे इजी लेते हो। जी बेटा हाँ जी ये इधर देख लो, ये इधर भी है, हाँ ये इतने दूर देख रहे हो, ये 25322 है जो ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। ठीक है जी, नहीं एक साल के कुछ महीने तो मार्च वालों के 10 महीने निकल गए हैं 36 महीनों में से, 26 महीने उनके क्लोजिंग एडवांस पड़े हैं, जून वालों के 7 निकल गए हैं तो 29 महीने पड़े हैं, आप फिर ये ढूंढो फिर क्लोजिंग एडवांस निकालना है तो, हाँ तो आता तो यही है लेकिन आसान क्या है, क्लोजिंग एडवांस निकालना मुश्किल है भाई, निकाल लो तुम क्लोजिंग एडवांस निकाल लो, इनकम तुम बैलेंसिंग निकाल लेना, हमारी बेलने में बाजू आई हुई, हम मुश्किल चीज पहले कैलकुलेट करें और आसान बैलेंसिंग निकालें, नहीं हम आसान निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लेंगे, दोनों ही निकल सकते थे, जो पहले कर लो, आसान काम करो मुश्किल क्यों करते हो। ओके जी 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 बोलो बोलो है बेटा, मुझे ये बताओ कि आपने इस पूरे साल के अंदर 29,952 रुपये यही बनता है ना था, यही लिए थे ना, ये रिसीव किए हैं,
क्या 29,952 के अगेंस्ट आपने सर्विसेज दे ली हैं मेंबर्स को? नहीं भाई, अगले तीन तीन साल के पैसे लिए हुए हैं। तो सर्विसेज कितनी दे ली थी इनमें से? 946,30 की बराबर सर्विसेज दे ली थी, तो बाकी जो है वो 25,322 जो है इसके अगेंस्ट अभी आपने सर्विसेज आने वाले सालों में देनी है। तो कैश आज ले लें, सर्विसेज ना दें तो ये तो एडवांस है, लायबिलिटी है। ये है राइट, ये लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। अब इसमें से अगले 12 महीने सर्विसेज कितनी दे लेनी है वो हमने निकाला है 9,984 के। सारे के सारे मेंबर्स को अगले पूरे साल सर्विसेज देनी है हमने, तो फिर हर मेंबर का 24,000 इनकम में चला जाएगा। तो 416×24 कर दिया, वो इनकम बन जाएगा। इसमें से 99 समथिंग जो है वो इनकम में चला जाएगा, बाकी अगले साल भी इनकम में नहीं जाएगा, वो उससे अगले साल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको तोड़ लिया जी। फिर समझा दूं, क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 1 हो गया है। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, बल्कि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 आप पढ़ के 30 सेकंड के अंदर दिमाग में कोई एंट्री शेंट्री बना लें, पूरे दोनों पॉइंट्स पढ़ लें। और टेक्निकल एडजस्टमेंट यही थी जो हमने कर ली है, अब कोई नहीं इसमें जान, अब सवाल की जान निकल गई है। अब अगले 15-20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि हर नई एडजस्टमेंट हो जाए और फिर रिपीटिशन वाली एडजस्टमेंट सिर्फ हो और आप बेशक उठ के जा भी सकें। जी पॉइंट 2, ऑल सेल्स ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब है इसका? मतलब के जो जनवरी की सेल होगी उसका बिल फरवरी में बनेगा, है ना? जनवरी में सेल ही नहीं होगी। ओ भाई चुप कर जाया करो यार, मत बोला करो। ये मास्क उतारो ना, तुम मास्क उतारो, ये तुमने जिस दिन लगाया हुआ है ना मुझे पता है, इसको उतार दो। आज के बाद मेरी क्लास में मास्क ना लगाना वरना निकल जाना। ये तुम एक लगा के बैठते हो सिर्फ इसलिए कि मैं बोल सकूं, ठीक है? ओके जी बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी की सेल होनी कोई नहीं है। मैंने जब बोला कि जनवरी की सेल का बिल फरवरी में आएगा तो आप मुझे यहीं रोक दें कि सर जनवरी में तो सेल ही नहीं होनी है, फरवरी में ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो फरवरी की सेल का बिल मार्च, मार्च का बिल अप्रैल, अप्रैल का बिल मई, नवंबर का बिल दिसंबर, और दिसंबर का बिल जनवरी में। ठीक है, तो हर महीने का बिल अगले महीने में नॉर्मली होता भी ऐसे है कैफेटेरियाज पे, कैंटीन्स पे। ठीक है, आप लोगों के साथ नहीं लेकिन एम्प्लॉयज के साथ, यहाँ पे स्टाफ के साथ ऐसी। ठीक है, ये पूरा महीना वो यहाँ से सर्विसेज यूज करते रहेंगे कैफेटेरिया की, कैंटीन की। ठीक है, और महीने के एंड पे जब महीना एंड होगा तो फिर कैंटीन वाले बिल बनाएंगे और अगले महीने के स्टार्ट में वो बिल सर्व कर दिया जाएगा और उस बिल को देखते हुए पेमेंट कर देंगे कस्टमर्स कैंटीन वालों को। ठीक है ना, तो यही ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं ऑल सेल ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फरवरी की सेल का बिल मार्च में जाएगा और पैसे फरवरी में ही आ जाएंगे। हाँ, ये बेवकूफाना सोच नहीं रखनी फिर आपने। अंग्रेजी का मतलब ये, अंग्रेजी का मतलब ये है कि आपको, आपने फरवरी का बिल मार्च में भेजा तो उस मार्च वाले महीने में ही वो पैसे आ जाएंगे, इसका मतलब ये है। ये ना सोच लेना कि उसने जो अंग्रेजी लिखी ना कंफ्यूजिंग सी थी, आप सोचो जी बिल तो मार्च में जाएगा, पैसे उसको इल्हाम हो जाएगा कितने पहले वो फरवरी में दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो अब अंग्रेजी पढ़ो, ऑल सेल ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ का मतलब क्या है कि जिस महीने में बिल जाता है उसी महीने में फिर पैसे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यूं कहते हैं कि फरवरी की सेल के पैसे आ जाएंगे मार्च में, मार्च की सेल के पैसे और जून की और अगस्त की और नवंबर की सेल के पैसे और दिसंबर के पैसे। यूं ना कहो, कहो दिसंबर के पैसे दिसंबर में नहीं आएंगे, हमारा साल एंड हो जाएगा तो ये क्लोजिंग में क्या होगा? रिसीवेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल ऑफ बेवरेजेस का जो 1500 है, जो आज तक हम डायरेक्ट सेल में ले जाते थे कि जी यही सेल है, कोई डेटर तो है नहीं, आज मैं इसको सेल नहीं कह सकता, ये तो कैश रिसीव्ड है। कितने महीनों का होगा? 11 का ना,
भाई जनवरी तो है ही नहीं, ठीक है, और दिसंबर का रिसीव हुआ नहीं, तो फिर ये कितने महीनों का कैश पड़ा है? तो सेल हम कैश की बेस में रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक रूल बेस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम तो सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे जब गुड्स डिलीवर हो चुकी। तो इसका मतलब आज डेटर का लेजर बनाएंगे, क्या करेंगे, तो डेटर बेवरेजेस का लेजर बनेगा। जी तो देखें जी, ओपनिंग डेटर्स बता दें बस मुझे आप, बाकी तो मैं कर लूंगा। ओपनिंग, अच्छा जी ओपनिंग कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 1500 की एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर का अकाउंट क्रेडिट, वो जो कैश आता था इस तरफ वही है, कितना 1500, ठीक है। अब पहले ये हो रहा था, आज से दो तीन पहले सवाल शुरू किए हुए हैं, ठीक है, उनमें ये हो रहा था कि यही 1500 कैश होता था और हम कहते थे बस सारे ही रिसीव हो गए, यही सेल है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज दिसंबर के महीने की सेल जो है उसके पैसे रिसीव नहीं हुए, लेकिन सेल तो हो चुकी है, ठीक है। अब वो आखिरी लाइन में उसने बताया ये, सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर 15 अमाउंटेड टू 150, तो ये 150 की सेल दिसंबर की है, लेकिन ये दिसंबर को पैसे रिसीव नहीं हुए, तो फिर क्लोजिंग डेट पे ये क्या है, रिसीवेबल है, तो क्लोजिंग डेटर आ गया 150, तो फिर सेल्स की फिगर बैलेंसिंग कितनी गई, सेल्स बैलेंसिंग आ गई 1650, ठीक है जी। तो ये 1650 सेल ऑफ बेवरेजेस में चला जाएगा और 150 जो है ये क्लोजिंग डेटर्स करंट एसेट्स में नजर आएंगे, ठीक है। तो सेल्स 1650 वर्किंग 3 से और करंट एसेट्स में डेटर्स ऑफ बेवरेजेस, वर्किंग नहीं बल्कि ये सवाल में गिवन था 150, ठीक है जी। अच्छा ये डायरेक्ट भी हो सकता था लेजर बनाए बगैर, वो कैसे हो सकता था, आप पहले जैसे वो पहले दिन हमने सेल ब्रैकेट में लिख दी थी वो कराची सोशल क्लब वाले सवाल में, आप 1500 की एंट्री करते रिसीट पेमेंट डेबिट सेल क्रेडिट यहां ब्रैकेट में और फिर एंड पे लिखते ओहो 150 की सेल तो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसकी एंट्री करते लेकिन कैश नहीं है आज डेटर है, एंट्री करते डेटर डेबिट सेल क्रेडिट यहां पे ऐड हो जाती, तो ये 1650 आ जाता और ये 150 आ जाता, लेकिन उससे कंफ्यूज हो सकते थे, यही ठीक है। नहीं हो कंफ्यूज तो वैसे भी कर सकते हो, लेजर बनाने का टाइम बचा सकते हो। ना बनाए, लेजर रिक्वायर्ड है भाईजान, आई कैब अपने सोल्यूशन के अंदर ना ब्रैकेट में लेजर बनाता है, लेजर बनाता ही नहीं है पूरे सोल्यूशन में, फिर रिक्वायरमेंट है जहां पे जरूरत पड़े बनाओ, जहां पे ना बनाओ डायरेक्ट कर सको करो, टाइम बचा लो, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट जी, बेटा डेटर के अंदर कैश रिसीव्ड तो आता होता था ना, तो ये कैश ही लिखा हुआ है, ये कैश डेबिट डेटर क्रेडिट हुआ पड़ा है, ठीक है। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो वही गल होगी, टोपी मैं सिटी ते सारे बांदरां ने सिट दी। Purchases made during the year of beverages amounted to 1760. तो पहली बार ऐसा हुआ कि उसने purchases की फिगर हमें दे दी है, ठीक है। अच्छा सुनो, वैसे तो आप purchase को डायरेक्ट लिख लो, फिर आगे creditor का ledger बाद में भी निकल सकता था, लेकिन मैं पूरी बात ही पढ़ा देता हूं। वो क्या, 1760 की purchases कर रहे, और अगर आप इधर देखो ना पेमेंट टू क्रेडिटर्स का जो लफ्ज यहां पे मैंने लिखा हुआ है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बेवरेजेस में, वो कितना आ रहा है,
1367, तो 1700 की चीजें खरीद के 1300 पे करोगे तो कुछ बाकी क्रेडिटर पेएबल रह जाएगा ना। तो अब मेरा मशवरा यही है कि जैसे तरतीब चली आ रही है वैसे ही चला लो, ये 1500 को तो टिक कर लो, इन्वेंट्री का भी लेजर बना लो, क्रेडिटर का भी लेजर बना लो, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहे जो बच्चा बेशक करे, लेकिन मैं ये दोनों लेजर्स बनाने लगा हूं, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ते हैं। तो नंबर 4, इन वेंट्री ऑफ बेवरेजेस। भाई 20 मिनट तक जाना, पहले ना जाना, अच्छा ओके हाँ, जब तक मैं कहूं ना तब तक ना जाना, कोई नहीं, स्टार्ट में सर भी थोड़ा वेट करेंगे तुम्हारा। 3:30 तक कहा था ना सर ने वैसे, हाँ कुछ 3:30 कह रहे हैं, कुछ 3:15 यही कह रहा था पहले। अच्छा चले कोई नहीं, सर को कहना सर जी स्टार्ट में ना, पहले सरदान को कहना स्टार्ट में कोई 10 मिनट, हेलो भाईजान सरदान को जाकर कहना कि स्टार्ट में कोई 10 मिनट ना, 10 मिनट जरा ऐसे ही बस थोड़ा आए बाएं शाएं कर लें, बच्चों को जो है ना 3:25 तक इंशाल्लाह भेज दूंगा मैं, अच्छा वो 20 तक फिर भेज दूंगा मैं। चलो जाके लेकिन बता देना, ये ना तुम भी उसमें शामिल हो जाओ शुगल में जाके, ठीक है जी। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है ये बता दो, अच्छा चलो शुक्रिया। नंबर 5, क्रेडिटर्स का लेजर भी बना लेते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ बेवरेजेस, इसका ओपनिंग बता दो, ये भी जीरो ही है, सब कुछ जीरो है। ओके नाउ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेजेस अमाउंटेड टू ₹1760, एंट्री इन्वेंट्री डेबिट, परचेज की बजाय इन्वेंट्री डेबिट, और क्रेडिटर क्रेडिट, यहां पे लिख लो इन्वेंटोराय, और यहां पे क्रेडिटर्स। आज तक हर सवाल के अंदर ये बैलेंसिंग निकाल रहे थे, आज सवाल में दे दिया, और परेशान नहीं होना, डाटा जैसे है बस चलते जाओ, ठीक है। 3 नॉर्मल 4 नॉर्मल चीजों को पता है, जो 3 निकल आएंगी चौथी बैलेंसिंग निकाल लेंगे। फिर साहब समझ आ रही है, ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट पूरी नहीं हुई, आगे क्या कहता है। 25% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 1760 की बात कर रहा है, रिमेन्ड अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्लोजिंग डेट पे क्या है, अनसोल्ड है तो स्टॉक, तो 1760 का 25% अनसोल्ड है, तो ये फिर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है कितना, 440, ठीक हो गया जी। अब बैलेंसिंग यहां से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी जी, 1330 20। आपकी क्लास का एक बच्चा ना सुबह वाली क्लास में चला गया, उसको क्लैश था दूसरे कॉलेज में, तो उसने रिक्वेस्ट की 1320, तो मैंने कहा चले जाओ। सुबह मुझे कहता है क्लास में, सर ये क्या बात हुई, आपने ये सवाल दे दिया, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सवाल था, बड़ा परेशान हुए हम, सारा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा पर्चे में तो नहीं ना बैठे थे, पर्चे में तो नहीं ना बैठे थे, तो अभी तो फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता होता है कि आपका दिमाग भी इस्तेमाल होता रहे, तो थोड़ा सा तरतीब से हट गया था। लेकिन आप पता है क्या है, अब जो अगले सवाल आएंगे ना वो मिक्सचर होगा, कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट भी हुआ करेंगे, और कुछ जैसे ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होते हैं वैसे भी होगा, तो फिर उन सवालों की तैयारी भी होगी, ठीक है। सवाल ये बहुत मजे का था, 1320 कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा और 440 करंट एसेट्स में स्टॉक नजर आएगा, ठीक है। तो 1320 वर्किंग नंबर 4 और क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स में स्टॉक बेवरेजेस 440, ठीक है। ये लेजर भी कंप्लीट, ये भी। अब क्रेडिटर्स का लेजर वक्त आने पे भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन मेरा दिल है चलो इसको भी पड़का ही देते हैं अब, क्योंकि पूरी बात इनकी ओपन हुई पड़ी है, ये क्लोज ही कर दें। तो वो क्रेडिट साइड पे जो मैंने फिगर दिखाई है 1367, इसकी एंट्री क्या बनती है, पेमेंट ऑफ परचेजेस है, परचेजेस नहीं बस पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही है, ठीक है। तो क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट 1367 जी, आज क्लोजिंग बैलेंस ही निकल रहा है, दिन दिन की बात होती है जी, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस 393, ठीक है। यहां से जो
परचेजेस थी वो इन्वेंट्री के अकाउंट में ऑलरेडी जा चुकी हैं। ये क्लोजिंग है जिसपे हम स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहां जाता होता है? करंट एसेट्स में। क्रेडिटर्स ऑफ बेवरेजेस जी 390 वर्किंग का रेफरेंस दो, आपने निकाला है। जी 0.23 क्लियर है मेरी तरफ से, तो आप देख लेंगे क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओ भाई गिनती ना करी जाओ, शरद नान को क्या हो, जरा टाइम हो गया, कह दिया, क्या कह रहे थे? फास्ट फास्ट बॉलर जोड़ियों में हंट करते हैं ना। फास्ट फास्ट बॉलर चल जाने ले यार। हाँ नहीं 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 पहुंच गए हैं, चल अब वहां से यहां तक लाना तेरी जिम्मेदारी है। मुझसे बच्चे रोज पूछते हैं पर टाइम ही नहीं होता, ये अब तेरे जिम्मे है बेटा, ठीक है जी। स्टूडेंट है कौन सा 150? ये क्लोजिंग क्लोजिंग डेटर है, हाँ एसेट ही है, डेटर क्लोजिंग एसेट होता है जो अगले महीने रिसीव होना है। यस ऑफ कोर्स, राइट टू रिसीव कैश इन अगला महीना। या तो तू जान के करना है या फिर बाकी तेन स्लो समझ आती है। अच्छा पॉइंट नंबर 4 जो है ये ध्यान से सुने, खास तौर पे FAR2 की क्लास में अभी तशरीह ले जाने वाले बच्चे, क्योंकि पॉइंट 4, पॉइंट 7 और पॉइंट 9 बिल्कुल 100% सेम ट्रीटमेंट है। इसमें सैलरीज इंक्लूड, तो इसमें लिखा हुआ है यूटिलिटीज इंक्लूड, तो इसमें लिखा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड, तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। सैलरीज को ध्यान से अब देखें, कहते हैं जी पॉइंट 4 में सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। वही कहानी, जनवरी की सैलरी पे होगी, जनवरी की होगी तो पे होगी, होश करो। अच्छा फरवरी की सैलरी मार्च, मार्च की अप्रैल, अप्रैल की मई, दिसंबर की नहीं पे होगी, इस साल में नहीं पे होगी, तो क्लोजिंग पर क्या होगा? पेबल। एक तो हमें इस जुमले से यह पता लग गया, ठीक है। ये मसला नहीं था, मसला यहां से शुरू होता है। वो कहता है द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड्स, यानी ये 1000 के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इस 1000 में इंक्लूड है एन एडवांस अमाउंटिंग टू 10,000 पेड टू एन एम्प्लॉई। अभी इधर ही रुक जाए जरा, और इस एडवांस के बारे में थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। आप एम्प्लॉई से सर्विसेज लेते हैं और उसको फिर पैसे देते हैं, जिसको सैलरी एक्सपेंस कहते हैं। अगर आपने अभी उससे सर्विसेज नहीं ली और पैसे पहले दे दिए, तो चाहे कल कलां वो पैसे वापस करे या वो उन पैसों के अगेंस्ट आपको सर्विसेज देकर आहिस्ता आहिस्ता पैसे कटवाए, दोनों सूरतों में आपने आज जो ये एडवांस उसको दिया है इसको एक्सपेंस नहीं कह सकते। ये आज जो एडवांस आपने दिया है ये आपकी किताबों में एसेट होगा, एसेट होगा। आज जब आप एंट्री करोगे तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना? क्यों? अच्छा ये एडवांस एसेट क्यों है? मैंने आपको गुड्स के बारे में ये एग्जांपल दी थी ना, आपने अभी गुड्स आपको आई नहीं, आपने अपने सप्लायर को पहले पैसे दे दिए एडवांस में, आपने कहा कि जब गुड्स आ जाएं तो मुझे डिलीवर कर देना। तो जब आज आपने पैसे दिए तो आपने एंट्री पास की एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट, ये आपका एसेट है। राइट है टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, समझ आ रही है बेटा? राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। ऐसे ही ये एडवांस टू स्टाफ है, ये भी आपका एक राइट है। राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर भी हो सकता है, और अगर एम्प्लॉई कह दे कि मैं पैसे ही वापस कर दूंगा, फिलहाल मुझे एडवांस दे दो सैलरी अगेंस्ट, ठीक है, तो वो राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर भी हो सकता है। बहरहाल है ये क्या चीज? एसेट। अब वो कह रहा है कि 1000 के अंदर ये 10 रुपए एडवांस पड़ा है,
ठीक है, जो कि एम्प्लॉय को पे किया यकम दिसंबर पे, ये एडवांस जो है ये एम्प्लॉय ने अगले साल फरवरी में वापस कर देना है। अब अगर ये 1,000 के अंदर पड़ा रह गया और सारे 1,000 की एंट्री आपने कर दी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें इस तरह से इंक्लूड वाला लफ्ज आएगा, आपने एक एक दरख्त लगाना है जिससे दो शाखें निकालनी है और दोनों शाखों पे एक एक उल्लू बिठाना है और फिर कहना है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो इसमें से एडवांस है, एडवांस टू स्टाफ या एम्प्लॉई जो भी लिख लें 10 रुपए, और बाकी फिर सैलरीज एक्सपेंस है बैलेंसिंग 990। तो इन दोनों की एंट्रीज डिफरेंट हैं। इस 10 रुपए की एंट्री होगी एडवांस टू स्टाफ डेबिट, और रिसीट एंड पेमेंट लिख लो, कैश लिख लो, समझने के लिए कैश क्रेडिट 10 रुपए से। जबकि इस 990 की एंट्री बननी है, भाई ध्यान से इधर देखो, सर ने कह दिया अभी 10 मिनट बाद शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसलिए पूरा ध्यान इधर दो, अभी उधर ना ध्यान जाए तुम्हारा जी। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट या कैश जो भी कह लो वो क्रेडिट हो गया 990 से। असल में ना ये कैश या रिसीट पेमेंट के क्रेडिट पे तो लड़ाई नहीं थी, ठीक है, ये इस पे तो लड़ाई नहीं है। यानी ये जो क्रेडिट हुआ है ना 1,000, बस ये क्रेडिट जरा तोड़ के कर दिया आपने कि 10 अलग जगह डेबिट, 10 का क्रेडिट इधर ही है डेबिट एडवांस में है, और 990 का क्रेडिट इधर ही है, इस पे कोई लड़ाई नहीं थी, बस डेबिट सैलरी एक्सपेंस में है। ठीक है, तो अगर आप ये पोस्ट करें एंट्रीज, तो ये एंट्रीज यूं पोस्ट होंगी, अब इन दोनों को अलग अलग पोस्ट करना है। ठीक है, तो एडवांस टू स्टाफ करंट एसेट्स में लिखोगे ना 2 महीने बाद तो आ जाने, एडवांस टू स्टाफ इधर देखो, एडवांस टू स्टाफ 10 रुपए से डेबिट और रिसीट पेमेंट अकाउंट 10 रुपए से क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट सैलरीज एक्सपेंस के लिए अब लेजर ओपन कर लेते हैं, नंबर 6। सैलरीज एक्सपेंस जी, ओपनिंग कुछ पेबल नहीं है, ठीक है, और ये 990 की एंट्री क्या हो रही है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, तो 990 से सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और रिसीट पेमेंट का अकाउंट क्रेडिट, यानी वो ये 1,000 पूरा क्रेडिट हो गया है, बस इसके डेबिट के ऊपर लड़ाई थी। ठीक है, ये समझ आ गए, एक मिनट पूरी बात होने दो। अच्छा, अब उसने ये कहा था कि 1 महीने की, मतलब उसने ये कहा था कि हर महीने की सैलरी अगले महीने के पहले दिन मिलती है, इसका मतलब दिसंबर की सैलरी अभी नहीं मिली, तो क्लोजिंग में पेबल होना है, ऐसे ही है। अच्छा, अगली बात, सवाल के अंदर गिवन नहीं है मंथली सैलरी इतनी है या दिसंबर की सैलरी इतनी होगी, ठीक है, तो फिर इस इंफॉर्मेशन की एब्सेंस में नॉर्मल अजम्पशन यही लेंगे ना, भाई मुलाजिम तो नॉर्मली बराबर ही होते हैं हमने जो रखे होंगे, ठीक है, तो नॉर्मल अजम्पशन पर यही है कि हर साल की सैलरी हर महीने की सैलरी बराबर होगी। ठीक है, तो फिर ये 990 पकड़ेंगे तो ये 12 महीनों का है, इसको डिवाइड कर देंगे, 11 का है दिसंबर, दिसंबर का रिसीव नहीं हुआ, दिसंबर की सैलरी पे नहीं हुई और जनवरी में सैलरी थी ही नहीं, ठीक है, तो टोटल ये कितने महीनों की पेमेंट है, रिसीट पेमेंट में 10 महीनों की पेमेंट पड़ी है सैलरी की। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पर मंथ सैलरी आ गई, इंटू 1 कर देंगे तो 99 क्लोजिंग क्लोजिंग 1 महीने का पेएबल आ गया। ठीक है, अब इनकम एक्सपेंडिचर में आपका एक्सपेंस कितना आएगा, 1089 जी, ये 1089 इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस बन जाएगा, और ये 99 जो है ये सैलरीज पेएबल करंट लाइबिलिटीज में नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में सैलरीज वर्किंग नंबर 6 से कितनी जी, 1089 नजर आ गई, और
सैलरीज पेएबल, ये भी वर्किंग में ही आपने निकाला है 6 में 99, ठीक है। अच्छा, अब किताब के अंदर हो सकता है ये इस तरह से भी हुआ पड़ा हो कि इस एडवांस को यहां सैलरी में प्रीपेड की तरह से लिख दिया गया हो, बिल्कुल ठीक है, उससे भी फिगर सही निकलेगी, लेकिन कंफ्यूजिंग है, आपने वो काम नहीं करना। आप ऐसे ही करें जैसे करवा दिया, इससे कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक्सपेंस को अलग रखें, एडवांस को अलग रखें, ठीक है, सही है। हाँ, ये 990 करना जरूरी था, यहां 1000 ले लिया होगा जिन्होंने, तो उसकी गलती हो गई होगी, ठीक है। अब पूछें सवाल। हाँ, अगर वाला सवाल वैसे, चलो अच्छा पूछो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, उसने जाना है। एक्सपेंस नहीं करना मैंने, वो तो वापस आ जाने हैं। आगे बोलो भाई, मैंने तो कहा है अगर ना भी करना हो तो वहां लिख सकते हैं, मैं अभी ये बोल के आया हूं, आप सोए हुए थे, मैंने कहा इसी लेजर में डेबिट साइड पे लिख सकते हैं 10, गलत नहीं है, लेकिन आपने नहीं लिखना, ये मैंने उनको कहा है जिन्होंने मेरी बात माननी है, आपने लिखना तो लिख लें। मैंने कहा कॉन्सेप्ट मजबूत करो, कोई बात नहीं, अलग ही रखो, कट्ठा लिख सकते हैं, सोल्यूशन में भी होगा कट्ठा, ठीक है जी। यहां तक को मसला, यूटिलिटीज वाली एडजस्टमेंट पढ़ो, भाई ये 0.5 के अंदर सुनो, 0.5 के अंदर सिंपल रेंट 3 साल का है, 0.6 के अंदर कुछ भी नहीं है, उसने कहा है एडवांस है प्लॉट का, अपने एसेट्स में छोड़ना है, 0.8 में इंश्योरेंस की सिंपल सी अक्रूवल की एडजस्टमेंट है, और 0.10 के अंदर डेप्रिसिएशन है, जाना चाहो तो जा सकते हो। पॉइंट नंबर, ये वैसे भी मैंने अब उधर कोई भी कुछ भी नोट नहीं करना बोर्ड पे, अब जो भी होना है यहां पर होना है, डिस्कशन करके इनको कहना है कंप्लीट करो, ठीक है जी। पेमेंट नहीं, लेकिन ये पॉइंट नंबर 7 और 9 ये जरा जल्दी से करवाओ मुझे, और फिर रेंट वाली एडजस्टमेंट भी करवाओ, फिर ब्रेक करेंगे, ओके। यूटिलिटीज वाली एडजस्टमेंट जल्दी से पढ़ो, 30 सेकंड में दिमाग में एंट्री कर लो, ताकि भाई जाते जाते यूटिलिटीज वाला भी देख जाए। यूटिलिटीज पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटेड टू 20। देखो, आपने वापडा का मीटर लगवाया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं होगा, आप इसको एसेट कहोगे, और जब कभी ये मीटर वापस करोगे वापडा को, तो आपको एडवांस वापस करेंगे। तो मसला ये है कि इस 570 के अंदर 20 डिपॉजिट पड़ा है और 550 यूटिलिटीज होंगी। कोई बिल हो सकता है, बिजली का भी हो सकता है, गैस का हो सकता है, पानी का हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है, सफाई का हो सकता है, यूटिलिटीज जो उसने लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ भी 100% सेम ट्रीटमेंट करना है, यूटिलिटीज में 20 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है और बाकी जो है वो यूटिलिटीज एक्सपेंस है, ये बैलेंसिंग निकालते हैं आपने 550। इस 20 की एंट्री करोगे सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट और रिसीट पेमेंट या कैश जो भी लिखना है लिख लो क्रेडिट, और इस 550 की एंट्री क्या होगी, हां जी यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक है 100% सेम ट्रीटमेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसी तरह से बैलेंस शीट में जाकर लिखोगे, लेकिन लिखना नॉन करंट में, ये नॉर्मली इस तरह का एसेट नहीं होता कि आप 3 महीने बाद मीटर वापस करके पैसे आ जाएंगे, ये बस लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट्स पड़े होते हैं, तो नॉन करंट में इसको लिख लेना, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, जैसे अभी एडवांस डेबिट किया बैलेंस शीट में, ठीक है, रिसीट पेमेंट क्रेडिट, और यूटिलिटीज का आपने बना लेना है लेजर, ठीक है। यूटिलिटीज का जो लेजर बनेगा, यूटिलिटीज का जो लेजर बनेगा वो लेजर बिल्कुल सेम, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, फिर रिसीट पेमेंट डेबिट, ये यूटिलिटीज डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट 550 से हो गया। अब क्लोजिंग पेएबल यहां से भी बिल्कुल वैसे ही निकालना था, ठीक है 100% सेम एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब उस लाइन को आके पढ़ा तो वो कहता है यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। लो भाई, हर महीने का बिल अगले महीने, तो जनवरी का बिल है ही नहीं, लेकिन दिसंबर का बिल
अगले महीने होने हैं तो क्लोजिंग डेट पे क्या होगा? पेएबल। अब अगेन सवाल चूंकि खामोश है तो यही अज्यूम करेंगे कि 550 10 महीनों का है, हर साल बिल सेम होता है, उसने कोई और यूटिलिटीज होंगी, नहीं होगा बिजली का बिल, या बिजली का बिल फिक्स होता होगा हमें से क्या। अब 550 सवाल खामोश है तो अजम्पशन यही लेनी पड़ेगी कि हर साल में बराबर होता है यूटिलिटी का बिल, तो फिर 10 महीनों का अगर 550 है तो एक महीने का 55 होगा। यहां से आपका इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर निकल आएगी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई फर्क नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये नोट ही तो है, 550 को 10 महीनों का नहीं लिखा, अज्यूम नहीं किया, ये नोट नहीं लिखा गया, वर्किंग है, नोट क्यों लिखे, वर्किंग है, सामने बताया उसको कि हमने 550 को 10 महीनों के बराबर समझा है, तो एक महीने का लिख दिया यहां पे। नंबर 9 बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट है, पढ़ो। तो इस सवाल में ढेर सारी एडजस्टमेंट एक जैसी आ गई, अब अगले किसी सवाल में इनमें से एक आधी एडजस्टमेंट आ जाया करेगी, इसलिए अच्छा सवाल है। FA2 वाले हो, ठीक है, लेकिन सवाल पूरा करना है, मैंने कल चेक करना है जी। रिपेयर मेंटेनेंस इंक्लूड एडवांस ऑफ 1,00,000 पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग शेड, ये क्या है जी? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। जंग वाले तुम वापस आ जाओ, तुम FA2 नहीं पढ़ रहे हो, वापस आ जाओ, फ्रॉड लगाते हो, आके बैठ जाओ, चलो शाबाश, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरे चांद, बैठ जाओ, बल्कि वहीं खड़ा रह तू, फ्रॉड लगाने की सजा में तुम्हें वहीं खड़े रहो, तुम कुछ भी करोगे, तुम है जंग से हो तो कुछ भी करोगे, अच्छा जाते हो तुम, ठहर जाओ जी। जी बच्चों, ये एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर एक एसेट है, इसको रिपेयर एक्सपेंस में ना पड़ा रहने देना, तो 100% सेम ट्रीटमेंट, थक गए हम तो भाई एक जैसी ट्रीटमेंट्स कर करके, तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश या रिसीट पेमेंट जो भी लिख दो जी, कितने से? 100 से। और बाकी क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट या कैश क्रेडिट, 175। ठीक है, सेम वही ट्रीटमेंट, इस एडवांस को करंट एसेट में रख लेना क्योंकि वो शॉर्टली क्या है, पार्किंग शेड के लिए एडवांस दिया, कौन सा 50 साल के लिए दे दिया, 10 साल बाद कंस्ट्रक्शन करानी है तो अभी थोड़ी एडवांस देना है, तो नॉर्मल जमशन ही होती है एडवांस, कंस्ट्रक्शन का एडवांस जो 2-4 महीने में काम शुरू हुआ, हो सकता है अभी शुरू हो जाए जी, है ना, तो कंस्ट्रक्शन का एडवांस नॉर्मली 1-2 महीने पहले ही दिया जाता है कि चलो यार तैयारी कर लो, काम शुरू करो, आ जाओ, ठीक है ना, तो करंट में ही रखना है इसको। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस का लेजर बनेगा और ये एक्सपेंस की एंट्री उसमें हो जाएगी। अब रिपेयर हर साल बराबर अज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए उसने रिपेयर बिल का बता दिया कि 7,000 का बिल जो है वो आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पर, तो क्लोजिंग पेएबल उसने खुद बता दिया कितना है, 7। तो इसी तरह से बिल्कुल लेजर यहां भी बन जाएगा, ठीक है, सही है। अब नंबर 10 एडजस्टमेंट आपको मैं बताऊं, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि आपको मैं ये बताऊं कि 1200 से फिक्स्चर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट करोगे, वैन डेबिट रिसीट पेमेंट 1500 से क्रेडिट करोगे, मुझे शर्म आ रही है कि फिर मैं आपको बताऊं 10% फर्नीचर एंड फिक्स्चर की डिडक्शन निकाल के एंट्री करोगे, डिडक्शन एक्सपेंस डेबिट, एसेट का ही अकाउंट डायरेक्ट क्रेडिट कर देना बुक वैल्यू पे, मुझे शर्म आ रही है कि आपको बताऊं वैन की डिडक्शन आप निकालोगे और डिडक्शन एक्सपेंस डेबिट और वैन क्रेडिट करोगे, तो 0.10 आप कर लोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये कह रहा हूं। नंबर 8, ये अब मैं आपको करवाता हूं, अच्छा लगता हूं, क्या कह रहा है जरा देखो, देखो जरा, देखो जरा, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑन 1 फरवरी 2015 कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो एक महीना क्लोजिंग में प्रीपेड है, लेजर बना लेना, एक्सपेंस भी निकल आएगा, रीपेमेंट भी आ जाएगी, सही है, ओके। नंबर 6, ये पॉइंट वैसे ही था, कहता है असल में ना ये रिलेट इससे कर रहा था, ये एडवांस फॉर प्लॉट जो है, ये जब आपने रिसीट पेमेंट सारा टिक करना है ना, तो ये 65,000 भी जो है ये भी टिक होना है, इसकी एंट्री होनी है एडवांस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, इसी के बारे में उसने शायद लिखने की कोशिश की है यहां पे कि प्रेजेंटली क्लब इज ऑपरेटिंग अंडर रेंटल प्रेमिस ऑन रेंटल प्रेमिसेस, हाउएवर अ लैंड हैज बीन परचेज्ड ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली, लैंड खरीद लिया है, लेकिन ऊपर वो लैंड नहीं लिख रहा, वो कह रहा है एडवांस फॉर लैंड, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अगली लाइन है, कहता है नाम होगा लैंड तब
जब कंप्लीशन हो जाएगी लीगल फॉर्मेलिटीज की। तो अभी नाम नहीं हुआ हमारे, इसलिए आप लैंड डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट नहीं कर सकते। कोई नहीं, एडवांस करंट एसेट्स में रख लें, कह रहे शॉर्टली ये हमारे नाम हो जाएगा, तो फिर हम एडवांस क्रेडिट करके प्लॉट ऑफ लैंड डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही कोई इनसिग्निफिकेंट सी ये एडजस्टमेंट थी, ये बस आपने एडवांस फॉर प्लॉट को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना है। और जो आखिरी एडजस्टमेंट मैंने करवानी है, जिसके बाद फिर तुमसे मैं पूछूंगा तुम क्यों जाना चाह रहे हो, फिर केस तुम्हारा देखते हुए तुम्हें छुट्टी दी जाएगी या रोक ली जाएगी, ठीक है। वो क्या है जरा पढ़ लो। रेंट फॉर 3 years वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1 फरवरी, जिस बात ही हो गए हम, और ये 3600 रुपए का रेंट जो है ये 1 फरवरी को अगले 3 साल का इकट्ठा ही पे कर दिया, यानी ये 3600 36 महीनों का है, यानी हर महीने का 100 रुपए है, ठीक है। तो ये 3600 का जो रेंट है, इसके लिए अगर आप रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाएं, तो ओपनिंग में प्रीपेड कख नहीं है, ना कोई पेएबल है, लेकिन ये 3600 की एंट्री पड़ेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। अब चाहो तो इनकम एक्सपेंडिचर वाली फिगर पहले निकाल लो, चाहो तो क्लोजिंग पहले निकाल लो, क्योंकि एक साल का एक महीने का 100 एक्सपेंस है, तो वरना चलो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहां पे लिख लो यूं 3600, ये 36 महीनों का है जी, तो हमें चाहिए 12 महीनों का, 12 का नहीं, 1 फरवरी से ये प्रेमिसेस यूज करना शुरू की, ठीक है। तो 1100, तो क्लोजिंग 2500, लेकिन मसला ये है कि ये क्लोजिंग सारे का सारा प्रीपेड करंट में नहीं आना था, क्यों, अगले 3 साल की प्रीपेमेंट है। अभी 11 महीने इस साल में इनकम में चले, एक्सपेंस में चले गए, 25 महीने अभी तक हमने अगले प्रीपे किए हुए हैं, तो अगले साल में तो 12 महीने आते हैं ना, 25 तो नहीं आते, ठीक है। तो 12 महीने करंट एसेट में प्रीपेमेंट प्रीपेड रेंट, और 13 महीने जो है वो नॉन करंट में, ये वही बात है जी, वही बात है, करंट क्या बात है। 3600 डिवाइडेड बाय 36 कर लो, करना है तो, वरना 100 से भी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट 100 भी लिख सकते थे, ठीक है, एक बार पता लग जो गया, इनटू 12 जी, 1200 करंट में और नॉन करंट में, फिर बस बैलेंसिंग लिख दो, ठीक है, 1300 बैलेंसिंग लिख दो, फिर क्या कैलकुलेशन करने, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल पूरा हो जाएगा, हाँ कंप्लीट करना है, मैं चेक करूंगा कल इंशाल्लाह। हाँ भाई क्या मसला है तुम्हें, कौन सा टेस्ट देना है, कितने बजे तक जा सकते हो टेस्ट रूम में, फ्रॉड क्यों लगा के जा रहे थे, उनके साथ क्यों उठ रहे थे भाई, मैंने FR2 वालों को भेज दिया। अच्छा फ्रॉड क्यों लगा रहे थे मुझे, फ्रॉड लगा रहे थे तुम FR2 वालों के साथ निकल रहे थे, तुमने सोचा सर कहेंगे इसने भी FR2 पढ़नी है, मुझे पता है तुमने नहीं पढ़नी, कान पकड़ लो साथ वाले के, आगे वाले भाई, अरे रहने दे नहीं, मुर्गा क्यों बनाऊं, मशवरे दे, दूसरा कहते तोता बना ले, ऐसा मैं उमरू यार, चले जी यहां पे इसको एंड करते हैं। ये सवाल आपने पूरा करना है, नॉर्मल क्लास का एंड कर रहे हैं और अब नॉर्मल क्लास शुरू करने लगे हैं, ठीक है जी। अब सुने, होमवर्क आज मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सुबह आप लोगों को मैंने दोबारा बुलाया हुआ है, इसलिए यही सवाल आपने दोबारा करना है, ठीक है जी। तो नॉर्मल क्लास को यहां पे पॉज कर दें।